हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे 2025 में 2025 में ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर का रेट क्या हो सकता है। जी हाँ, ये अलग अलग वेबसाइट्स ने अपने अपने टारगेट दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर के अभी जो फंडामेंटल्स हैं, जो देखते हुए लगता है कि सच में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है शेयर। अगर कोई सिंपल आदमी को भी अगर इसके फंडामेंटल्स दिखाएंगे तो यही कहेगा कि बस इससे अच्छा शेयर पूरे स्टॉक मार्केट में नहीं है। बट जो मैनेजमेंट की गलतियां हुई है और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, काफ़ी इवेंट्स हुए हैं बीच में जो आप और हम सब लोग जानते हैं, जिसके कारण ये शेयर लगातार नीचे ही नीचे है और काफ़ी दिनों से तो साइडवेज जा रहा है। बट आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स है, सेबी के इंक्वायरी है, ये सभी बातें क्लियर हो जाए और 2025 तक तो भी कम से कम सब बातें सॉर्ट आउट हो गई तो जो टारगेट्स इन वेबसाइट्स ने दिए हैं ये अचीव हो गए तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको और हमको सबको हो सकता है। ये सभी वेबसाइट्स ने वही बातें कही है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी टोटली डेट फ्री है और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, एडटेक सेक्टर में, एडवर्टाइजिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में, उस सेक्टर का डिमांड भविष्य में, फ्यूचर में लगातार बढ़ने वाला है। इट विल बी इंक्रीजिंग इन द फ्यूचर ऑल्सो बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑनलाइन। तो वो हिसाब से दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है सिर्फ कि ये जो एलिगेशंस लगे हैं, जो घोटाले हुए हैं, ये जल्द से जल्द इसमें क्लैरिटी आना चाहिए और ये सब ठीक निकला। मतलब जो भी अभी भी जो कन्फ्यूजन चल रहा है, काफ़ी बातों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे हर सवालों के जवाब मिलते जाएंगे और ये फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहे, बाकी सब कुछ भी हो जाए, कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू और जो कंपनी के बाकी जो चीज़ें हैं ये अगर इंटैक्ट रही तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यही सब कहना है इन वेबसाइट्स का। आइए जानते हैं वन बाय वन किसने क्या टारगेट दिया है। शेयर प्राइस ऑफ .com, इस वेबसाइट ने ब्रैडकॉम ग्रुप का टारगेट दिया है 80 से 95 रुपीज़ तक का। जी हाँ, 80 रुपीज़ से 95 रुपीज़ का टारगेट दिया है 2025 का शेयर प्राइस ऑफ .com ने। दूसरी वेबसाइट है globalsharetarget.com ने ब्रैडकॉम ग्रुप का 2025 का जो टारगेट दिया है 75 रुपीज़ से 90 रुपीज़ के बीच में दिया है, वो भी काफ़ी शानदार है। kaluram pingoria.com इस वेबसाइट ने तो 85 से 90 का टारगेट दिया है 2025 का ब्रैडकॉम ग्रुप का, वो भी काफ़ी शानदार है। moneysite.in ने 2025 का टारगेट दिया है 50 रुपीज़ का, इनका टारगेट थोड़ा कम है। financerule.com इस वेबसाइट ने टारगेट दिया है 64 रुपीज़ का 2025 का टारगेट दिया है financerule.com ने 64 रुपीज़ का टारगेट दिया है, ये टारगेट भी ठीक ठाक है। sharedhan.com इस वेबसाइट ने टारगेट दिया है ब्रैडकॉम ग्रुप का 2025 का 60 रुपीज़। अगर हम इन सब वेबसाइट्स के टारगेट का एवरेज निकालें तो वो आता है करीब करीब 70 से 80 रुपीज़ के बीच में, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट है लुकिंग एट द प्राइस ऑफ 16 रुपीज़ 80 पैसा। तो वो हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 4 to 5 times तक का टारगेट 2025 का इन सभी वेबसाइट्स ने दिया है फ्रॉम द करंट प्राइस जो कि अभी चल रहा है। तो काफ़ी शानदार टारगेट है। आशा करते हैं कि ये सब टारगेट पूरे हो और सभी का जो लॉस हो रहा है, काफ़ी लोगों ने हाई रेट में बाय किया हुआ है, उनका लॉस रिकवर हो जाए, वो सब प्रॉफिट में आ जाए। और ये भी आशा करते हैं हम लोग कि कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट और रेवेन्यू ये सब सही हो, इंटैक्ट हो, इसमें कोई बदल ना आए आने वाले दिनों में। जो भी हो जाए, सेबी की नोटिस नंबर 1 नंबर 2, उसका आउटकम जो भी है, बट उससे अगर प्राइस कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में कोई बदलाव नहीं आए और ये सब सही निकले तो फ्रेंड्स कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो टारगेट्स इन वेबसाइट्स ने दिए हैं ये अचीव भी होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। आशा करते हैं मैनेजमेंट जल्द से जल्द सब अच्छी स्टेप्स उठाए, पॉजिटिव स्टेप्स उठाए
और ब्राइटकॉम ग्रुप अगेन जाए अपने रियल वैल्यूएशन पे अराउंड 100 to 150 रुपीज़, जो कि सभी का उसको इंतज़ार है। थैंक यू फ्रेंड्स।